नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। संसद की सदस्यता जाने के बाद आज पहली बार कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी के साथ वायनाड में सत्यमेव जयते के नाम से रोड शो किया। रोड शो में जमा भीड़ को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि संसद का सदस्य एक टैग है, यह एक पद है, इसलिए बीजेपी टैग, पद और घर छीन सकती है। वे मुझे जेल भी भेज सकते हैं, लेकिन वे मुझे वायनाड के लोगों का प्रतिनिधित्व करने से नहीं रोक सकते। मुझे हैरानी है कि बीजेपी इतने सालों बाद भी अपने विरोधी को नहीं समझ पाई है। वे ये नहीं समझते कि उनके विरोधी भयभीत नहीं होंगे। उन्हें लगता है कि मेरे घर पर पुलिस भेजकर मैं डर जाऊंगा या मेरा घर छीन लिया जाएगा तो मैं परेशान हो जाऊंगा। राहुल गांधी ने वायनाड की जनता से अपने भाषण में आगे कहा कि 4 साल पहले मैं यहाँ आया और सांसद बना और मेरे लिए यह अभियान एक अलग तरह का अभियान था। नियमित अभियान में आप जाते हैं और नीतियों के बारे में बोलते हैं और क्या होना चाहिए, लेकिन 2014 में यह अभियान अलग था, स्नेह था और केरल ने मुझे परिवार का एक हिस्सा और उनके बेटे के रूप में महसूस कराया। मैंने काफी सोचा और अब मैं कुछ सालों से सांसद हूँ। सांसद का मतलब जनप्रतिनिधि, लोगों की भावनाओं, पीड़ाओं और जरूरतों को समझना होता है। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का एक दिन का अनशन खत्म हो गया है। अनशन खत्म होने के बाद सचिन पायलट ने कहा कि मैंने सिर्फ करप्शन पर कार्रवाई के उद्देश्य के लिए अनशन रखा था। अगर कोई बात संगठन की होती तो मैं संगठन से बात करता। साल भर से मैं मुख्यमंत्री से मांग कर रहा था, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। सचिन पायलट ने आगे कहा कि सुखजिंदर सिंह रंधावा की नहीं बल्कि पूर्व प्रभारियों की बात कही थी, लेकिन भ्रष्टाचार का मुद्दा अभी तक बना हुआ है और इसके खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। आपको बता दें कि पायलट बीजेपी की सीएम वसुंधरा राजे के शासन में हुए घोटालों की जांच की मांग को लेकर सीएम गहलोत सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठे थे। सोनिया गांधी के द हिंदू के लेख में बीजेपी और मोदी पर हमले का अब बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी नेता किरण रिजिजू और धर्मेंद्र प्रधान ने सोनिया गांधी और उनकी पार्टी कांग्रेस पर हमला बोला है। रिजिजू ने कुछ तत्वों और व्यक्तियों पर हमला करने वाले विभिन्न भाषणों के अंश ट्विटर पर साझा किए और बिना नाम लिए कांग्रेस और गांधी परिवार के संदर्भ में एक भाषण में कहा कि भारतीय लोकतंत्र केवल एक बार मरा 1975 में और उसके बाद कभी नहीं। किरण रिजिजू ने अपने भाषण में कहा कि चुनी हुई सरकार से सारे सवाल पूछिए, लेकिन अपने देश से सवाल मत कीजिए, अपने देश के खिलाफ मत जाइए। समस्या तब आती है जब जहां भी लोगों का एक समूह मानता है कि उनके पास शासन करने के लिए दैवीय अधिकार है। यदि कोई परिवार या व्यक्ति सोच रहा है कि वे सामान्य नागरिकों से ऊपर हैं, कि वे विशेषाधिकार प्राप्त हैं, तो पूरी सोच एक अलग स्तर पर चली जाती है। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोनिया गांधी के इस लेख को मोदी नफरत का उदाहरण बताया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि यह कांग्रेस है जो गलत राह पर है, देश नहीं। आने वाले दिन महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सबसे पुरानी पार्टी के लिए जो राजनीतिक संकट की कगार पर है। धर्मेंद्र प्रधान ने आगे कहा कि कांग्रेस नेतृत्व को अपने भ्रम से बाहर आना चाहिए और जमीनी हकीकत के प्रति जागना चाहिए। भारत का लोकतंत्र फल फूल रहा है, लोग पीएम मोदी के इरादों को जानते हैं और इसलिए वे विश्वास करते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। कांग्रेस नेता और यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को खत्म करने और संसद नहीं चलने देने का आरोप लगाया है। द हिंदू में लिखे एक लेख में सोनिया गांधी ने कहा कि भारत के लोग जान गए हैं कि प्रधानमंत्री के काम उनके बारे में बयानों से ज्यादा अच्छे से बताते हैं। विपक्ष पर गुस्सा निकालना हो या फिर आज की खराबी के लिए पिछले नेताओं को दोष देना हो, प्रधानमंत्री के बयान सिवाय दबाव वाले मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए उनकी जुबानी कसरत के अलावा कुछ नहीं है। उनके काम सरकार के असर इरादों के बारे में सब कुछ बता देते हैं। लेख में सोनिया गांधी ने आगे लिखा कि पिछले महीनों में हमने प्रधानमंत्री और उनकी सरकार को भारत के लोकतंत्र के तीनों स्तंभों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को व्यवस्थित रूप से ध्वस्त करते देखा है। उनके कामों से लोकतंत्र और लोकतांत्रिक जवाबदेही के लिए एक गहरा तिरस्कार दिखता है जो परेशान करने वाला है। इसी के साथ सोनिया गांधी ने संसद नहीं चलने देने का आरोप लगाते हुए लिखा कि बीजेपी ने अडानी समेत प्रमुख मुद्दों पर सदन में चर्चा नहीं होने दी और बिजली की तेजी से राहुल गांधी की सदस्यता को खत्म कर दिया गया। सोनिया गांधी ने कहा कि सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है और सीबीआई 95% मामले केवल विपक्ष के खिलाफ दर्ज कर रही है। कांग्रेस नेता ने ये भी आरोप लगाया कि मीडिया की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया जा रहा है। अमित शाह के अरुणाचल दौरे पर चीन की आपत्ति को लेकर अब भारत की तरफ से विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने भी जवाब दिया है। अरिंदम बागची ने एक बयान में कहा कि हम चीनी आधिकारिक प्रवक्ता द्वारा की गई टिप्पणियों को पूरी तरह से खारिज करते हैं। भारतीय नेता नियमित रूप से
अरुणाचल प्रदेश राज्य की यात्रा करते हैं जैसे वे भारत के किसी अन्य राज्य में करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविच्छेद अंग था, है और रहेगा। ऐसी यात्राओं पर आपत्ति करना तार्किक नहीं है और उपरोक्त वास्तविकता को नहीं बदलेगा। इससे पहले अमित शाह ने भी अरुणाचल से चीन पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा था कि ऐसी आपत्तियों से जमीनी हकीकत नहीं बदलेगी। और वे दिन गए जब लोग हमारी जमीन पर अतिक्रमण कर सकते थे, पर अब वे हमारी जमीन का एक इंच भी नहीं ले सकते। भारत के प्रति नकारात्मक पश्चिमी धारणा पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है और यह आबादी केवल संख्या में बढ़ रही है। यदि ऐसी कोई धारणा है कि देश में सरकार के समर्थन से उनका जीवन कठिन बीत रहा है या कठिन बना दिया गया है, जो कि इन अधिकांश लेखों में निहित है, तो मैं पूछती हूँ कि क्या भारत में ऐसा हो रहा है या कभी हो सकता है? क्या मुस्लिम आबादी भारत में कम हुई है, जबकि सच ये है कि 1947 की तुलना में मुस्लिम आबादी और बढ़ ही रही है, जो उसी समय बने पाकिस्तान के विपरीत है। वित्त मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान में देख लीजिए, उस देश में हर अल्पसंख्यक की संख्या घट रही है और अल्पसंख्यक वहाँ कम हो रहा है, यहाँ तक कि कुछ मुस्लिम संप्रदायों को भी वहाँ से हटा दिया गया है। जबकि भारत में आप देखेंगे कि हर तरह का मुसलमान अपना जीवन अच्छी तरह बिता रहा है, अपना व्यवसाय कर रहा है, उनके बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, उन्हें फेलोशिप दी जा रही है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डीके शिवकुमार द्वारा मुख्यमंत्री पद की दौड़ में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लिए जाने के बाद अब कांग्रेस के अंदर इस पर चर्चा तेज हो गई है। शिवकुमार ने खड़गे का नाम ऐसे समय में लिया है जब कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के लिए सिद्धरमैया और उनके बीच सीधी प्रतिद्वंदिता दिख रही है। दरअसल शिवकुमार ने शनिवार 8 अप्रैल को कहा था कि अगर विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राज्य के मुख्यमंत्री बनते हैं तो वे उनके अधीन काम करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे मेरे नेता हैं और वह मेरे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष हैं। मुझे उनके अधीन काम करना अच्छा लगता है, वह हमारे राज्य और देश के लिए एक संपत्ति हैं। मैं पार्टी द्वारा लिए गए निर्णय के प्रति प्रतिबद्ध हूँ। कांग्रेस ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के उस बयान को लेकर सोमवार को उन पर पलटवार किया कि विदेश यात्रा पर जाते समय लोगों को अपना राजनीतिक चश्मा देश में छोड़ देना चाहिए। उपराष्ट्रपति के सलाह पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट कर लिखा कि पहले आप उनको यह सलाह दीजिए जिन्होंने इस प्रथा को 2015 में शुरू किया था, फिर प्रवचन दीजिए। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि दूसरी बात, सभापति महोदय को निष्पक्ष होना चाहिए, हमेशा सरकार का गुणगान नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति की है टिप्पणी ब्रिटेन में राहुल गांधी की उस टिप्पणी के बाद आई है, जिसमें उन्होंने खेद जताया था कि अमेरिका और यूरोप समेत दुनिया के लोकतांत्रिक हिस्से इस बात पर ध्यान देने में विफल रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र का एक बड़ा हिस्सा तबाह हो गया है। आज आईपीएल में दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने हैं। मुंबई इंडियंस अपने पहले दो मैच हारकर पॉइंट्स टेबल में 9वें स्थान पर है, वहीं दिल्ली अब तक 3 में से 3 मैच हार के 10वें स्थान पर है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।